कहीं ना कहीं जॉब सर्च कर रहे होंगे और उनको अच्छी जॉब नहीं मिल रही होगी, यानी ऑफिशियल जॉब नहीं मिल रही होगी। अगर आप में से कुछ बच्चे जानते होंगे तो BIM एक द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर सिविल इंजीनियर्स, जहां पर एक व्हाइट कॉलर जॉब, जल्दी जॉब, ऑफिशियल जॉब, 9 to 5 का जॉब मिल जाता है। इसमें ऐसा काम होता है कि आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, खुद का भी कंपनी खोल सकते हो और उसके साथ ही साथ कई ढेर सारी कंपनियों के साथ जुड़ के उनके काम भी करके दे सकते हो। तो BIM एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है आज के टाइम में। अगर आपको BIM का नॉलेज है तो आप कहीं पे भी जाओगे बहुत इजीली जॉब मिलेगा। ये बात मेरी मत मानो, जस्ट गूगल की मान लो। गूगल पे सर्च करो BIM मॉड्यूलर, आपको बहुत ढेर सारे लिस्ट ऑफ जॉब्स मिल जाएंगी। BIM कोऑर्डिनेटर, बहुत ढेर सारी जॉब। BIM मैनेजर, बहुत ढेर सारी जॉब। तो ऐसे बहुत BIM स्ट्रक्चरल मॉड्यूलर, ऐसे ढेर सारी जॉब्स आपको मिल जाएंगी। गूगल के ऊपर आप देखोगे तो हर एक लगभग सिटीज में जो फेमस सिटीज है वहां पर आपको BIM की जॉब मिलनी फिक्स है। तो अगर आप में से कोई भी BIM सीखना चाह रहा है, आप सोच रहे हो सर BIM क्या कोई सॉफ्टवेयर होता है? नहीं, BIM एक प्रोसेस है जिसके अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। करते क्या BIM में, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो करते ये है कि भाई जो ऑन साइट आप अभी एग्जीक्यूट कर रहे हो ना, कोई सोसाइटी बना रहे हो, कोई कुछ अपार्टमेंट बना रहे हो ना, ऑन साइट अगल बगल देखा होगा, उन सारी चीजों को बनाने से पहले लैपटॉप पे बना के देख लो। आप लोग सर लैपटॉप पे बना के देखने में टाइम के ऊपर बात करें, उधर बना के फोटो खींच लेंगे। हाँ, खींच तो लोगे, कल को उसका एलिवेशन अच्छा ना लगा तो कैसे सेल होगा वो? कल को उसमें सनलाइट सही से नहीं आया तो फिर कैसे सेल होगा वो? कल को उसके अंदर सफिशियंट स्पेसिंग्स नहीं हुआ, अंधेरा रात, तो फिर क्या करोगे? दे आर डिफरेंट कॉजेज, बहुत से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद पता चलता है यार ये पहले से करके देख लिया होता, कहीं पे पहले से इसका प्रॉपर एक ड्रॉइंग बना के देख लिया होता, वॉक थ्रू बना के देख लिया होता, तो यार ये पैसा बना बर्बाद नहीं जाता। स्विमिंग पूल बना लिया, स्विमिंग पूल बनाने के बाद पता चला है कि गलत जगह बना लिया, ठीक है। तो ऐसे बहुत जगहों पे होता है, तो ऐसे जगहों को लॉस ना जाए इसलिए अभी आज के टाइम में सारी कंपनियां BIM मॉडल्स बनवा रही हैं। इसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर, ऑटोकैड, रेविट आर्टिक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट MVP, नेविसोर, स्केचअप, टेक्ला, 3ds Max, ये बेसिक लेवल के सॉफ्टवेयर्स हैं। इतने सॉफ्टवेयर्स का कंबाइन, उसके साथ ही साथ BIM के ढेर सारे कॉन्सेप्ट, किस तरीके से BMS होता है, किस तरीके से VDS होता है, किस तरीके से स्कैन टू BIM होता है, पॉइंट क्लाउड होता है, BIM 360 होता है, डिफरेंट थिंग्स इसके अंदर सीखना पड़ता है। इसकी पूरी की पूरी सीरीज अगर आपको कंप्लीट सीखना है और आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो, आपको लगता है कि ये इंसान जेन्युइन इंसान है और इनको ये मुझे पूरा BIM सिखा सकते हैं, तो 4 महीने मुझे आपके चाहिए। कितने? 4 महीने चाहिए, बट पूरी डेडिकेशन के साथ चाहिए। हाफ डेडिकेशन साथ आओगे तो आपका लॉस होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली इसके अंदर 4 महीने 1.5 घंटे डेली मैं लाइव रहता हूं, उसके बाद 4 महीने डेली आपको लगभग 3 घंटे का काम घर से करके आना पड़ता है। अप्रॉक्स पूरी की पूरी ट्रेनिंग 5 घंटे की होती है। अगर आप 5 घंटे अपने लाइव का निकाल सकते हो 4 महीने के लिए, बिलीव करो दूसरे महीने से ही आप इंटरव्यू क्रैक करने लगोगे, इसकी गारंटी है, ठीक है। कहीं ड्राफ्टिंग, कहीं मॉड्यूलर, कुछ ना कुछ इंटरव्यू तुम्हारे क्रैक्स हो जाएंगे, और क्रैक होने के बाद डेफिनेटली चाहो तो जॉब करो या फिर ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने के बाद जॉब सर्च करो, तुम्हारे ऊपर है। इसके अंदर गाइस आपको हम इंटरव्यू की पूरी प्रिपरेशन करवाते हैं, क्या क्या पूछ सकते हैं BIM के इंटरव्यू में, उसका कंप्लीट सेट मेरे पास है। अगर आपको चाहिए तो भी आप ले सकते हो। उसके साथ ही साथ अगर आप मेरे BIM के पुराने स्टूडेंट हो, पुराने ओल्ड स्टूडेंट हो, जो कि BIM के वीडियो लेक्चर्स ले रहे हो लेकिन आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, उसको टाइम पंचुअलिटी नहीं बना पा रहे हो, तो पंचुअलिटी बनाने के लिए भी ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसमें आप आ सकते हो, जो भी आपने BIM का फी दिया हो उसके अंदर माइनस हो जाएगा वीडियो कोर्स का फी। और गाइस इसका जो पूरा का पूरा जो फी होता है 4 मंथ्स का लाइव का, वो होता है 20,000। कितना होता है? 20,000 होता है, जिसको आप पार्ट में भी पे कर सकते हो एज पर योर कंफर्ट। बस फोकस ये होना है कि डेडिकेशन के साथ आना है सीखने के लिए। सीखने के लिए व्हाट्सएप नंबर दे रखा है भाई, व्हाट्सएप नंबर पे आपको कॉन्टेक्ट करना है और उसके साथ ही साथ आपको अपना रिज्यूम भेजना है। रिज्यूम भेजने के बाद मैं आपको बताऊंगा आपको सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, आपके सीखने से आपको कितना बेनिफिट होगा। कई लोगों के करियर में बहुत ज्यादा गैप हो गया होगा, ऐसा लोगों की CV जल्दी शॉर्टलिस्ट नहीं होती, लेकिन इतनी अच्छी इंटर्नशिप आपको करा दूंगा, 4 मंथ का इंटर्नशिप करवाता हूं हम। उसमें क्या होगा कि मैं आपको एक्सप्लेन करवा दूंगा कि क्या क्या टॉपिक्स आप पढ़ते हो, उससे CV के शॉर्टलिस्ट होने का चांस बहुत तेज बढ़ जाता है, क्योंकि अब आपका कैरियर गैप मेंटेन होने लगता है। 4 मंथ का ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट दिया जाता है इंटर्नशिप का, कि आपने 4 मंथ इंटर्नशिप किया। 50 से ज्यादा लाइव प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, जिनको जो मेरे खुद के प्रोजेक्ट्स हैं, जो मेरे बच्चों के, जो स्टूडेंट्स हैं जो कहीं जॉब कर रहे हैं, उनके कई ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हैं।
ऐसे ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग उसके अंदर करके देखते हैं, और देखते ही नहीं है उसको प्रॉपर सबमिट करते हैं ऑटोकैड के अंदर पूरी ड्राइंग सबमिट करते हैं, रेबिट के अंदर पूरी ड्राइंग सबमिट करते हैं, मतलब एकदम एक्चुअली प्रोफेशनल। अगर आपको बीम सीखना है और उसके लिए आपको लगता है कि आकाश पांडे सर इज द बेस्ट ऑप्शन, तो आप आइए। और क्या बोलते हैं, आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ आपको बताना पड़ेगा कि मैं पढ़ाता कैसे हूँ, क्योंकि आप यूट्यूब पे यूनिक सिविल ऐप पर देख सकते हो मेरी टीचिंग स्टाइल, बहुत ही ईजी है, ठीक है, एकदम आपके बड़े भाई की तरह पढ़ाता हूँ। तो बड़े भाई की तरह पढ़ाता हूँ तो थोड़ा डांटता भी हूँ, ठीक है, डांटूंगा नहीं तो फिर काम नहीं करके आओगे। डांटता इसलिए हूँ कि आप लड़कियों के सामने इंप्रेशन न बना के अच्छा सा नॉलेज गेन करके आओ और अपनी अच्छी स्किल्स को डेवलप करो। लड़कियां बुरा मत मानना, तुम लोग के लिए भी ट्रेनिंग है, ठीक है। तुम लोगों के लिए भी यही रहता है कि अगर डेली टास्क करके नहीं आते हो तो मेरे को डांटना पड़ता है, क्योंकि टास्क ही BIM में आपको ग्रेड बना सकता है। उसके साथ नो डाउट 7D क्या होता है, 6D क्या होता है, 5D क्या होता है, वो डीप में पढ़ाता हूँ, ठीक है। स्कैन टू बीम क्या होता है, BIM 360 क्या होता है, और पॉइंट क्लाउड क्या होता है, रेजर स्कैनिंग क्या होता है, इसके अलावा बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट है कि बिल्डिंग में स्मार्ट बिल्डिंग किसको बोलते हैं, स्मार्ट बिल्डिंग किस तरीके से क्रिएट करते हैं, बिल्डिंग के अंदर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से काम करता है, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा ना जो आपने कभी सुना नहीं होगा, बहुत कुछ है इसके अंदर। वो एक है ना थाराभाई जोगिंदर करके, कभी सुना नहीं होगा ऐसा कुछ डायलॉग रहता है उसका, सॉरी ज्यादा पता नहीं है बट ऐसे याद आ गया। तो इस तरीके से कंप्लीट, लेकिन मैं उसके तरह वाला नहीं हूँ, ठीक है, वी आर जेन्युइन पर्सन्स, बट जोक द पार्ट कि मजे भी लेना चाहिए इंसान को। तो इस तरीके से पूरी ट्रेनिंग्स होगी, इसमें लाइव आपके इंटरव्यूज होंगे, जो आप इंटरव्यू अपने यूट्यूब पे भी देख पाओगे, आप प्रॉपर इंटरव्यू दोगे, उसमें देखूंगा आपको बताऊंगा भी कि आपको कहाँ पे आपने इंप्रूवमेंट की नीड है वो भी आप देख पाओगे अपने अंदर। उसके साथ ही साथ रिटन टेस्ट होता है जिसको आप परफॉर्म करके समझ पाओगे कि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फंस पा रहा हूँ कि नहीं फंस रहा हूँ। उसके अलावा आपका कैट टेस्ट होता है। कुल मिला के जो जो बीम के अंदर कंपनी में होता है वो सारे इंटरव्यू की प्रिपरेशन 4 महीने के अंदर हो जाएगा। कई ढेर सारे क्वेश्चन लेक्चर्स आपको घर से वॉच करने पड़ेंगे, असाइनमेंट्स आपको घर से वॉच करने पड़ेंगे, बाकी आपका डेली असाइनमेंट सेंड होगा आप करोगे, उसके बाद मैं चेक करूंगा, जो भी गलतियां रहेंगी उन गलतियों को बताऊंगा, जहां फंसे रहोगे वो भी बताऊंगा, उसके बाद पर्सनली गाइड करूंगा। मैं चाहता हूं बीम के मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं वो नीचे कमेंट करें, क्योंकि ऑलरेडी बीम की 2 बैचेस हमारी चल रही हैं, बैच अभी फुल हो गई थी तो तीसरी बैच की नीड थी, सो इसलिए लॉन्च कर रहा हूँ। 10 अगस्त से बैच लॉन्च है। कब से अगस्त से है? 10 अगस्त से बैच लॉन्च है, और ये बैच का जो टाइमिंग है वो 10:30 से 12 है, 10:30 से 12 मतलब 10:30 बजे से 12 बजे दिन में है, ठीक है। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हो, प्रॉपर कैरियर बनाना चाहते हो, 4 महीने दे दो ना यार मेरे ऊपर, क्योंकि आपने 4 साल दिए हैं इंडस्ट्री को, मतलब कॉलेज को 4 साल दिया है, तो 4 महीने मुझे भी दे दो, लेकिन मैं ये गारंटी लेता हूँ कि मैं आपको निराश करके नहीं भेजूंगा, कुछ ना कुछ बना के भेजूंगा अगर आप 4 महीने मुझे दोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस, होप आप लोग ट्रस्ट करके मेरे साथ ज्वाइन करना पसंद करेंगे। 20 लोगों की सीट है, 20 से 21 नहीं होंगे, इसलिए जितना जल्दी हो सके सीट बुक कर लेना, सो डेट की क्या बोलते हैं आपकी सीट रिजर्व हो जाए। अभी से बुक करने का प्रोसेस क्या है, आप व्हाट्सएप इंक्वायरी कर लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, फटाफट कॉन्टेक्ट कर लो, पहले रिज्यूम भेज देना, आप इलिजिबल हो कि नहीं मैं बता दूंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।